नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे लाइटिंग टेक्निक्स के बारे में अगर आपका एम सिनेमेटोग्राफर, डायरेक्टर या राइटर बनने का है तो आपको कुछ बेसिक लाइटिंग टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे की लाइटिंग क्या होती है फिल लाइट का क्या यूज है बैक लाइट क्यों जरूरी है थ्री पॉइंट लाइटिंग सेटअप क्या होता है इसके अलावा हम हाई की लो की हार्ड लाइटिंग सॉफ्ट लाइटिंग बाउंस साइड मोटिवेटेड प्रैक्टिकल और एमबियट लाइटिंग क्या होती है वो भी जानेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं की लाइटिंग क्या होती है यह प्राइमरी लाइट सोर्स होता है किसी भी सीन का यह सबसे इंटेंस और डायरेक्ट लाइट सोर्स होता है जनरली की लाइट आपके सब्जेक्ट या एक्टर के फॉर्म और डायमेंशन को स्पष्ट करता है कितना भी कॉम्प्लिकेटेड मल्टी लाइटिंग सेटअप क्यों ना हो यूजुअली सबसे पहले की लाइट को सेट किया जाता है की लाइट को जनरली 30 से 60 डिग्री पर प्लेस किया जाता है विथ द कैमरा मार्किंग जीरो डिग्री आपको की लाइट को कैमरा के ठीक सामने प्लेस करने से बचना चाहिए क्योंकि दिस विल क्रिएट फ्लैट एंड डायरेक्ट लाइटिंग फॉर योर सब्जेक्ट आप अपनी की लाइट को सब्जेक्ट के पीछे से इस्तेमाल करके ड्रामेटिक मूड क्रिएट कर सकते हैं थ्री पॉइंट लाइटिंग सेटअप में की लाइट प्राइमरी लाइट होती है थ्री पॉइंट लाइटिंग सेटअप क्या होता है वो हम आगे जानेंगे फिल लाइटिंग फिल लाइट को हम की लाइट के ऑपोजिट प्लेस करते हैं ये की लाइट के जितनी पावरफुल नहीं होती और इसका इस्तेमाल की लाइट से उत्पन्न हुई डार्क शेडोई एरियाज को रिमूव करना होता है बैकलाइटिंग बैकलाइट हिट्स एन एक्टर और ऑब्जेक्ट फ्रॉम बिहाइंड इसको हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से ऊपर प्लेस करते हैं इस टेक्निक का इस्तेमाल एक्टर या ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड से सेपरेट करने के लिए किया जाता है जिससे आपका सीन थ्री डायमेंशनल लगे दे गिव मोर शेप्स एंड डेप्थ टू योर सब्जेक्ट आगे की लाइटिंग टेक्निक्स के बारे में जानने से पहले समझते हैं थ्री पॉइंट लाइटिंग सेटअप क्या होता है थ्री पॉइंट लाइटिंग बेसिक लाइटिंग सेटअप है जो एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स के लिए समझना इंपॉर्टेंट है इसको सेटअप करने के लिए आपको की लाइट फिल लाइट और बैक लाइट की जरूरत होती है की लाइट आपका प्राइमरी लाइटिंग सोर्स होता है इसको आप जर्नली सब्जेक्ट के फ्रंट में प्लेस करते हैं विथ एन एंगल ऑफ 32 टू डिग्री विथ 45 फाइव बीइंग बींग मोस्ट कॉमनली यूज्ड। जब आप की लाइट की प्लेसमेंट डिसाइड कर लेते हैं तो आप एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपको फिल लाइट और बैकलाइट को कहा प्लेस करना है फिल लाइट सेकेंड लाइट होती है आपके सीन में इसका पर्पस आपके सीन में मिसिंग लाइट को फिल करना होता है जनरली इसको सब्जेक्ट के फ्रंट और की लाइट के ऑपोजिट प्लेस करते हैं डेप्थ के साथ इट ऑल्सो ब्रिंग आउट डिटेल्स इन द अदर साइड ऑफ योर सब्जेक्ट आप अपने शॉर्ट के अकॉर्डिंग अपनी फिल लाइट का एंगल चेंज कर सकते हैं पर सिनेमैटिक लुक के लिए आप 25 से 45 डिग्री अपने फिल लाइट को मूव कर सकते हैं बैकलाइट ये तीसरी लाइट होती है आपकी वीडियो के लिए एंड इट्स पर्पस इज टू ऑफसेट द फ्लैटनिंग ऑफ डायमेंशन कॉज बाई की एंड फिलइट इसको सब्जेक्ट के पीछे और ऊपर से प्लेस करते हैं एट एन एंगल ऑन द सेम साइड एज यूर प्राइमरी और की लाइट इन तीनों पोजिशन को यूज करके सिनेमेटोग्राफर्स अपने सब्जेक्ट को इल्यूमिनेट कर सकते हैं अपने सीन के अकॉर्डिंग इसके अलावा डायरेक्ट लाइटिंग से प्रोड्यूस शेडोज को भी थ्री पॉइंट लाइटिंग सेटअप से कंट्रोल कर सकते हैं थ्री पॉइंट लाइटिंग डील्स विद द रिलेशनशिप ईच लाइट हैज विद वन अनदर। दिस इज कॉल्ड द लाइट इंटेंसिटी रेशियो जनरली द की लाइट टू फिल लाइट रेशियो इज टू रेशियो वन इसका मतलब की लाइट फिल लाइट से दोगुनी ब्राइट होनी चाहिए इस रेशियो को यूज करके आप सिनेमैटिक लुक क्रिएट कर सकते हैं अपनी शॉर्ट फिल्म या यूट्यूब वीडियोस के लिए यह एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आप अपने शूट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं अब बात करते हैं हाई की लाइटिंग क्या होती है हाई की रेफर्स टू तो ए स्टाइल ऑफ लाइटिंग यूज टू क्रिएट वेरी ब्राइट सीन दैट इज विजुअली शेडोलेस ऑफन क्लोज टू ओवर एक्सपोजर इस लाइटिंग टेक्निक में ब्लैक और मिड रेंज टोन्स का मिनिमल यूज होता है और व्हाइट टोन्स डोमिनेटिंग होती है इस टेक्निक में लाइटिंग रेशियो को इग्नोर किया जाता है ताकि हर लाइट सोर्स की इंटेंसिटी ऑलमोस्ट सेम हो टोन कैन बी ऑप्टिमिस्टिक और होपफुल इस टेक्निक का इस्तेमाल रोमांटिक मूवीज में कमर्शियल्स में म्यूजिक वीडियो में किया जाता है लो की लाइटिंग यह हाई की लाइटिंग के ऑपोजिट होती है लो की लाइटिंग सीन का मतलब है काफी ज्यादा शेडोज जो आप सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग की लाइट सोर्स का इस्तेमाल करके क्रिएट कर सकते हैं लो की लाइटिंग वॉन्ट्स कॉन्ट्रास्ट एंड ब्लैकनेस इस लाइटिंग का मेन फोकस होता है कि आप किस तरीके से शेडोज का यूज करें जिससे आप अपने सीन या सब्जेक्ट में मिस्ट्री सस्पेंस या ड्रामा क्रिएट कर सके नॉयर और थ्रिलर फिल्म जॉन्रा के लिए आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं हार्ड लाइटिंग हार्ड लाइट आपकी सनलाइट से क्रिएट हो सकती है या फिर किसी स्ट्रॉन्ग लाइट सोर्स से इस तरह की लाइटिंग शेडोज और हार्श लाइन क्रिएट करती है यू कैन यूज इट टू ड्रॉ अटेंशन एनी इन द फ्रेम स्पेशली ऑन द सब्जेक्ट हाई लाइट और सिलुएट क्रिएट करने के लिए भी आप हार्ड लाइटिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं सॉफ्ट लाइट ये थोड़ा ट्रिकी है सॉफ्ट लाइटिंग डिफर टू एनी लाइटिंग डायरेक्शन बट इट्स अ टेक्निक ननस ये कह सकते हैं कि ये एक एस्थेटिक है जिसका इस्तेमाल सिनेमेटोग्राफर्स करते हैं हार्ड शेडो को रिड्यूस या एलिमिनेट करने के लिए ड्रामा क्रिएट करने के लिए एंड टू रिक्रिएट सबटल शेड्स ऑफ लाइट फ्रॉम एक्सटीरियर सोर्सेस इट कैन एड यूथ टू अ अब्जेक्ट फेस बाउंस लाइटिंग इसमें आप लाइट सोर्स जैसे सन लैंप्स या कोई भी लाइटिंग किट को इनडायरेक्टली बाउंस करते हैं टू हाईलाइट अ सब्जेक्ट विथ इन अ फ्रेम लाइट को बाउंस करने के लिए आप व्हाइट बोर्ड रिफ्लेक्टर और इवन लाइट कलर्ड सरफेस जैसे सीलिंग्स और वॉल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं यूजिंग अ बाउंस लाइट क्रिएट अ लार्ज एरिया ऑफ इवेंटली स्प्रेड लाइट अगर इसको सही तरीके से एग्जीक्यूट किया गया हो तो इसका इस्तेमाल सॉफ्ट लाइट फिल लाइट टॉप साइड या बैक लाइट क्रिएट करने के लिए भी किया जा सकता है खासकर तब जब आपके पास डिफ्यूजर या सॉफ्ट बॉक्स ना हो साइड लाइटिंग जैसे आपको नाम से ही लग रहा होगा साइड लाइटिंग में लाइट फ्रेम के साइड में से एंटर होती है टू हाईलाइट अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट लाइट प्रोवाइड अ फेल किसी सीन में मूड या ड्रामा क्रिएट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है साइड लाइटिंग को काफी लोग क्यारोस्यूरो लाइटिंग भी बोलते हैं इस लाइटिंग को अचीव करने के लिए यू नीड अ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट एंड लो की जिससे आपके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की शेप या टेक्सचर और प्रोमिनेंट दिखे अगर आप साइड लाइट को सीन को फिल करने के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको उसे बाउंस करना होगा या फिर यू हैव टू डील विथ हाई की इफेक्ट मोटिवेटेड लाइटिंग आप फिल्म सेट में हैं, लेकिन वहां पे कोई नेचुरल लाइट सोर्स नहीं है दैट्स वे मोटिवेटेड लाइटिंग कम्स इन टू प्ले मोटिवेटेड लाइटिंग टेक्निक का यूज नेचुरल लाइट सोर्स जैसे सनलाइट मून लाइट स्ट्रीट लाइट एक्सेट्रा को इमिटेट करने के लिए किया जाता है मोटिवेटेड लाइट नेचुरल लाइट के जैसे ही दिखे इसके लिए फिल्टर्स, कलर जेल्स का इस्तेमाल किया जाता है प्रैक्टिकल लाइटिंग वॉट इफ यू वॉन्ट टू यूज लाइट सोर्सेज विध इन अ लोकेशन रेगुलर और वर्किंग लाइट सोर्स जैसे कि लैंप्स कैंडल्स और इवन आपके टेलीविजन सेट भी प्रैक्टिकल लाइटिंग की टेक्निक में यूज आते हैं इंटेंशनली सेट डिजाइनर या लाइटिंग क्रू इनका इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट अ सिनेमैटिक एम्बियंस सीन कभी कभी इनका इस्तेमाल सब्जेक्ट पर हल्के से लाइटिंग करने के लिए भी किया जाता है लेकिन प्रैक्टिकल लाइट यूज़ करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि कैंडल्स लैंप्स आदि लाइट सोर्स सब्जेक्ट को लिटअप करने के लिए इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते लाइटिंग आर्टिफिशियल लाइट से आप वेल लिट सीन क्रिएट कर सकते हैं जो कि रियल लाइफ से सिमिलर या उससे बेटर भी दिख सकता है लेकिन आप चाहे तो शूटिंग लोकेशन में ऑलरेडी अवेलेबल एम्बियट या नेचुरल लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे वो सनलाइट हो या मूनलाइट या फिर स्ट्रीट लैम्प और इवन आप इलेक्ट्रिक स्टोर साइंस से आ रही लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप दिन में आउटडोर शूट कर रहे हैं तो आप नेचुरल सनलाइट का यूज कर सकते हैं एंड सप्लीमेंट द सीन सेकेंडरी लाइट फॉर योर सब्जेक्ट अगर आपको सॉफ्ट लाइट चाहिए तो आप अर्ली इन द मॉर्निंग या लेट इन द आफ्टरनून आउटडोर शूट कर सकते हैं एम्बियन लाइट का सिर्फ एक डाउन साइड यह है कि इंटेंसिटी एंड कलर ऑफ सनलाइट आर नॉट कॉन्स्टेंट टाइम के साथ आपकी एम्बियन लाइट भी चेंज होती रहेगी तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कौन कौन सी लाइटिंग टेक्निक्स होती है उनको समझा तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद